हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ मूंग दाल चीला। तो चलिए देखते हैं कि इस मूंग दाल चीले को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिया हुआ है ये 2 कप मूंग दाल है, छिलके वाला मूंग दाल, जिसे कि मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। ये 1 कप पके हुए चावल, 4 से 5 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो सबसे पहले हम इस दाल और चावल को मिक्सी की जार में डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। ये हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसमें ये बारीक कटे प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। और साथ ही साथ ऐड करेंगे ये पिसा हुआ अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस ऑन करके अपना चीला तैयार कर लेती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। ये तवा गरम हो चुका है, इसमें मैं ये थोड़ा सा तेल डालकर इसे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगी। और इसके ऊपर ये थोड़ा सा पानी डालूंगी। इस चीले को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकते हुए पकाना है। इस चिले को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया हुआ है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं
और इसी तरह बाकी के सारे चिले भी तैयार करेंगे। तो ये मेरा मूंग दाल का चिला खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरे इस मूंग दाल के चिले की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे एक बार मेरी तरह से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।